प्रणाम बच्चों, आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कुछ नए शब्द सीखेंगे। हाँ, वो कौन से शब्द हैं? इसके लिए तो आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा बच्चों। बच्चों, हमारे पिछले वीडियो पे हमने कौन सा अक्षर सीखा था? सही कहा, द। बच्चों, द से एक शब्द बताइए। हाँ, द से दवात, यानी कि इंक पॉट। सही कहा बच्चों। तो चलो अब हम सब नए शब्द सीखते हैं। देखिए बच्चों, ये कितनी ताजी ताजी हरी हरी पत्तियां हैं। ये पत्तियां मतलब लीव्स, और इन पत्तियों की सुगंध इतनी अच्छी होती है, हम तरह तरह के सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं। हम इन पत्तियों का इस्तेमाल आमतौर पर खाने को सजाने के लिए और खाने में अच्छा सुगंध लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बता सकते हैं ये कौन सी पत्तियां हैं? अभी तक पता नहीं चला तो चलो मैं ही बता देती हूँ। इसे हम धनिया कहते हैं। हाँ, पता चला, धनिया को हम अंग्रेजी में कोरिएंडर कहते हैं। ये देखिए, ये है धनिया का बीज, यानी कि सीड्स, कोरिएंडर सीड्स है ये। हाँ, अब ये बताइए, ये कौन है और क्या कर रहा है? देखिए, हाथ में तो कपड़ा है, और इस कपड़े को ऐसा क्यों पकड़ा हुआ है? और देखो पीछे कितने सारे कपड़े टंगे हुए हैं। क्या कर रहा है ये आदमी? हाँ, कपड़ा धो रहा है। बच्चों, जो कपड़ा धोते हैं उन्हें हम धोबी कहते हैं, और अंग्रेजी में वॉशरमैन कहते हैं। हाँ बच्चों, पुरुष को हम वॉशरमैन कहते हैं और औरत को हम वॉशरवुमन कहते हैं। अब इस आधे चित्र को देखिए, ये क्या हो सकता है? आपने इसे पहले भी देखा है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था। हाँ, सही कहा बच्चों, ये है धनुष। हाँ देखिए, इसे हम धनुष कहते हैं और इसे हम बाण कहते हैं। हाँ, धनुष को हम अंग्रेजी में बो कहते हैं और बाण को हम अंग्रेजी में एरो कहते हैं। वाह बच्चों, आप सबने तीन नए शब्द सीखे हैं आज। हाँ, तो चलो देखते हैं वो तीन नए शब्द। हमारा पहला शब्द था धनिया, दूसरा शब्द था धोबी, और तीसरा शब्द है धनुष। अब ये बताइए, ये तीनों शब्द कौन से व्यंजन वर्ण से शुरू होता है? बच्चों, ये तीनों शब्द ध से शुरू होता है। हाँ देखिए, ये है ध। मेरे साथ बोलिए, ध ध। तो हमने ध से कौन से नए शब्द सीखे हैं? ध से धनिया, यानी कि कोरिएंडर। ध से धोबी, यानी कि वॉशरमैन। ध से धनुष, यानी कि बो। तो बच्चों, याद रखिएगा और अभ्यास करिएगा इन शब्दों को। तो चलो अब हम ध लिखना सीखते हैं अपनी कॉपीज में। बच्चों ध्यान से देखिएगा सब। देखिए ध्यान से, पहले हम ऐसे करके खींचेंगे, जैसे कि आप 9 लिखते हैं ना, 9, वैसे ही उल्टा 9 लिखना है आपको, ठीक है?
फिर देखिए इस लकीर को जोड़ते हुए हम एक आधा गोला ऐसे खींचेंगे, ठीक है। अब पास में इस लकीर को जोड़ते हुए हमने खड़ी पाई खींच दिया, फिर ऊपर हमें सुई पाई खींच देंगे। बच्चों याद रखिएगा कि खड़ी पाई के ऊपर ही आपको सुई पाई खींचना है, यहाँ पर नहीं। देखिए ऐसे करके नहीं खींचना है, ये रॉन्ग है। देखिए ऐसे खड़ी पाई के ऊपर ही आपको सुई पाई खींचना है। अब मैं आपको एरो मार्क ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए पहले हमने ऐसे खींचा था है ना लकीर को, ये हो गया हमारा प्रथम चरण। फिर उस लकीर को जोड़ते हुए हमने एक आधा गोला ऐसे खींच दिया, ये हो गया हमारा दूसरा चरण। फिर पास में एक खड़ी पाई खींचा, ये हो गया हमारा तीसरा चरण। फिर ऊपर हमने एक सोई पाई खींच दिया, ये हो गया हमारा चौथा चरण, ठीक है। और एक बार मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने ऐसे लकीर खींचा उल्टा नो, और उस लकीर को जोड़ते हुए आधा गोला ऐसे, फिर पास में खड़ी पाई, फिर ऊपर एक सोई पाई। लो बन गया हमारा ध। ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है। बच्चों फटाफट अपनी कॉपी खोलिए, यहाँ पर सी डब्ल्यू लिखेंगे यानी कि क्लास वर्क, और उसके नीचे आज का डेट। आज का डेट है 11 अगस्त 2021, 11 अगस्त 2021, ठीक है। फिर यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे और एक चित्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं ध लिख रही हूँ, एक छोटा सा हाइफन देंगे। फिर यहाँ पर हम ध से धनुष का चित्र बनाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे धनुष बनाती हूँ। ये हो गया हमारा चित्र बनाना, अब हम रंग भरेंगे इसमें, ठीक है। ये मैं पीला रंग ले रही हूँ यानी कि येलो कलर। येलो कलर से इसके अंदर ऐसे भर देंगे, आप चाहे कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। लो बन गया हमारा धनुष। अब हम ध लिखेंगे। देखिए ऊपर के रेड लाइन से शुरू करेंगे, ये ऐसे खींचा, फिर आधा गोला ऐसे, फिर पास में एक खड़ी पाई, फिर ऊपर एक सुई पाई। याद रखिएगा खड़ी पाई के ऊपर ही आपको सुई पाई खींचना है। ये देखिए ऐसे ही आपको थ्री लाइन्स में लिखना है, ठीक है, और एक एक जगह छोड़कर लिखेंगे। देखिए ऐसे, और एक बार दिखाती हूँ। ऐसे आप क्लास वर्क में 5 बार लिखेंगे और 3 लाइन्स में लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए एक एक जगह छोड़कर ऐसे 5 बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ही हम होमवर्क लिखेंगे। यहाँ पर ये मैंने HW दिया और नीचे आज का डेट, ठीक है। ऐसे होमवर्क भी आप 3 लाइन्स में करेंगे और 5 बार एक एक जगह छोड़कर लिखेंगे।